हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक और बार कहूँगा, जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। तो अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली अपडेट आ रही है नेस्टी निंजा की तरफ से। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि नेस्टी निंजा की एक मिक्स टेप आई है जिसका नेम है दैट किड नेस्टी, और जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रिव्यू लेके आऊँगा, तो हाजिर है आप लोग के सामने रिव्यू। तो इस एल्बम में टोटल 8 सॉन्ग्स हैं, जिसमें से कुछ के म्यूजिक वीडियो पहले आ चुके हैं, कुछ के अभी मिक्स टेप के साथ आए और कुछ के आगे भी आएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नेस्टी निंजा का कोई सा भी गाना नहीं सुना है तो बहुत सही टाइम है, आप लोग ये मिक्स टेप से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी तगड़ी लगी है मुझे। इसमें से कुछ गाने मैंने पहले सुन के रखे थे और कुछ अभी सुने हैं, और जैसे कि मैंने पहले की वीडियोज़ में भी कहा है कि इस बंदे के गाने मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, और ये पूरी मिक्स टेप मुझे बहुत पसंद आई है। सारे गाने एक से बढ़ के एक है, पर इस मिक्स टेप से भी मुझे कुछ टॉप सॉन्ग्स आप लोग को बताने पड़ेंगे जो कि मुझे पसंद आए और शायद आपको भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर के लिए टाई हुआ है, दो गाने हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए, और एक गाने को भी मैं पीछे नहीं रखना चाहता, दोनों बराबर ही है, अलग अलग जोन के हैं पर बहुत ही सही लगे मुझे। पहला है ड्रिप और दूसरा है रहने दो। रहने दो मुझे बहुत पहले से पसंद है, काफ़ी पहले इसका म्यूज़िक वीडियो आ चुका था और अभी कुछ हफ्ते पहले ड्रिप का म्यूज़िक वीडियो आया है, तो आप लोग दोनों गाने सुन सकते हो, काफ़ी तगड़े हैं, दोनों की वाइब्स बहुत अलग अलग है। और दूसरे नंबर पर मैं रखना चाहूँगा हाईवे को, हाईवे ट्रैक मुझे काफ़ी पसंद आया है, इसका भी म्यूज़िक वीडियो आ चुका है तो आप लोग वो जाके भी देख सकते हो, काफ़ी सही ट्रैक है, लिरिक्स काफ़ी अच्छे हैं और हुक सबसे सही लगा इस गाने का, तो आप लोग जाके सुनो। बाकी सारे गाने आप लोग सुन सकते हो। इसके अलावा मूनवॉक भी काफ़ी सही ट्रैक है, मैंने अपनी चॉइस बता दी, और आप लोगों को इस एल्बम में से कौन सा ट्रैक्स पसंद आए मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ज़रूर सुनना यार, बहुत ही सही आर्टिस्ट है ये। तो अगली अपडेट आ रही है इक्का की तरफ से। तो दोस्तों, इक्का का अभी जैसे कि आपको पता है कि एक ट्रैक आया है जिसका नेम है निंद्रा, और उसी के प्रमोशन के लिए इक्का भाई ने एक इंटरव्यू दिया है। तो गाने के बारे में तो कम बात हुई है, दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा हुई है, तो आप लोग जाके देख सकते हो फुल इंटरव्यू, काफ़ी बड़ा है, 22-23 मिनट के आसपास का है। तो कुछ क्लिप्स है जो मैं आप लोग को यहाँ पर प्ले करके बता देता हूँ। वो मेरे को ठीक लगा, वो पारी शोज वगैरह मेरे को ना सब्सक्रिप्टेड लगते हैं। मेरे को कभी लगा नहीं कि वहाँ पे कुछ रियल है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी बंदे का बनते नहीं देखा भाई, जो वहाँ जीते भी हैं आप देख लो भाई उनका क्या है भाई, क्या कर क्या रहे हैं भाई, वो कुछ नहीं करते हैं, तो पुश करो उनको यार। मेरे ख्याल से जो शोज वाले हैं वो यूज करते हैं भाई आर्टिस्टों को, उनके मन में कोई मंशा नहीं रहती ऐसी चीज की यार उनके लिए कुछ करना है जीवन में। मैं नहीं आया भाई, नहीं मैं नहीं आया था, रफ्तार था वहाँ कहाँ बुलाता हूँ, वैसे ही उसकी होती है बट ही है, गॉड ब्लेस हिम, वो भाई है, वो भी इज अ गुड बॉय, वो मेहनत ही है पर उसकी कुछ चीजें बहुत अलग है, तो ठीक जो नहीं खराब नहीं कहूंगा, ठीक करनी चाहिए, खराब नहीं है वो, उसका सोचना होगा, मे बी वो किसी और को खराब लगते हो पर उसके लिए सही हो। तो जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया है इक्का का क्या कहना है रियलिटी शोज़ के बारे में, और MTV हसल की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो इस चीज़ में मैं इक्का को बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, सबकी अपनी चॉइसेस है, आप लोग का इस चीज़ पर क्या कहना है मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, रफ्तार के बारे में भी बात हुई है यहाँ पे, तो इसके बाद से इक्का से पूछा गया कि बॉलीवुड में जो वल्गर सॉन्ग्स आते हैं, रैपर्स जो गाने निकालते हैं, आप लोग समझ रहे हो मैं किन गानों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस चीज़ से जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और बच्चों के लिए जो ठीक नहीं है, तो इस चीज़ पे इक्का का क्या कहना है, तो आप लोग खुद उनके मुंह से सुन लो। क्या बोलूं फिर मैं यार, लोगों की थिंकिंग वैसी है यार, बचपन से गाने आ रहे हैं, मैं बचपन से चीजें सुनता आ रहा हूँ भाई यार, तो उन गानों में तो भाई अभी मैं क्या बोलूं भाई, चढ़ गया ऊपर लोटरी आगे गोटन कबूतर भाई, कैसे कैसे गाने हैं भाई, बच्चा नाच रहे होते थे उसके, हम बचपन में हमें तोड़ना पता है भाई, लोग कहते हैं ये गाने सुन के भड़क जाते हैं लोग, वो कर देते हैं भाई, हमने इतने गैंगस्टर गाने सुने, मैंने आज तक किसी को गोली मारने का मन नहीं करा मेरा, मैंने तो नहीं बना कि मैं भाई गैंगस्टर बन जाऊं फिर मैं कोक सप्लाई करूं या फिर ये करूं, हमने इतना हिप हॉप सुना है, आप इन्फ्लुएंस ऐसे नहीं हो सकते इतने इजीली किसी चीज से, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, उसको उसी वे में उतना ही हद तक रहने दिया जाए। तो अगली अपडेट आ रही है रणवीर पाजी की तरफ से। तो दोस्तों, रणवीर पाजी ने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, अब पता चलेगा सबको सब कुछ, डिस ऑन द वे, अब कलम उठाने की बारी है। तो एक डिस ट्रैक आ रहा है रणवीर पाजी की तरफ से, वैसे तो एक आ चुका है ऑलरेडी, पर एक और आ रहा है, अब ये किसके लिए होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता है, अगर आप लोग को पता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो अगली अपडेट आ रही है रैप सॉन्ग्स की तरफ से। तो पहला गाना जो है उसका नाम है मारले बाय बॉम्बे लोकल संग आकाश, और यह है आकाश की एल्बम का सेकंड ट्रैक मारले, और एल्बम का नेम था ओवरसीज, और इसका ऑडियो वर्जन मैंने सुना हुआ था, मुझे काफ़ी पसंद आया था ट्रैक, और अभी इसका म्यूजिक वीडियो आया है, इसके बारे में अनाउंसमेंट भी दी थी पहले बॉम्बे लोकल और आकाश ने,
तो आ चुका है वीडियो, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अच्छा वीडियो है, ज़्यादा कुछ है नहीं खास। तो अगला गाना जो है इसका नाम है पैरी पोना बाय रिबेल 7 संग सेज ऑन द बीट। तो अगर आप लोग सुनना चाहते हो ये गाना तो जाके सुन सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और रिबेल 7 के बर्थडे के दिन ये गाना आया है, तो जाके सुनो, खासा सरप्राइज दिया है रिबेल 7 ने। तो अगला गाना जो है इसका नाम है फुल पावर बाय लिल गोलू, और ये गाना आउट हो चुका है और काफ़ी सही लगा है, म्यूज़िक वीडियो बहुत सही है। और जैसे कि पिछले गाने में छेड़ा गया था मुंबई के रैपर्स को और गली बॉय मूवी को और थोड़ा बहुत रफ्तार को भी, और इस गाने में छेड़ा गया रिमेक सॉन्ग्स को और रिमेक जो कर रहे हैं उन आर्टिस्टों को, तो आप लोग समझ सकते हो जो भी बॉलीवुड में रिमेक्स बनाते हैं उन लोगों के लिए खासा रिप्लाई है। तो आप लोग जाके सुन सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं सुना है। तो अगला गाना जो इसका नाम है भाग बेटा बाय MC हिटलर, तो ये गाना भी आप लोग जाके सुन सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगला गाना जो इसका नाम है हार के भी जीत गया बाय आशीष भाटिया, और ये है एक रैप सॉन्ग और पूरी स्टोरी बताई है उन्होंने अपने स्प्लिट्स विला की, रोडीज की, और टाइटल से आप लोग समझ ही सकते हो कि किस टाइप का ट्रैक होगा ये। लिरिक्स अच्छे इस गाने के और म्यूजिक वीडियो भी बहुत अच्छा काम किया गया है। तो अगला गाना जो इसका नाम है आयो बर्न बाय नूका फीचरिंग काम भारी, और काम भारी का वर्स मुझे काफ़ी पसंद आया है, लिरिक्स काफ़ी अच्छे गाने के और इंग्लिश में है ट्रैक। तो आप लोग सुनना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी अपडेट्स थी, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।